से बंधी डो। आइए आइए बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, तुम लोगों ने जो इज्जत उछाली है ना उसका हिसाब लेने आई हूँ। मेरे साथ जो धोखा हुआ है ना उसका जवाब मांगने आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। ए, अब नीचे आई, मैं समझाती तुमको। प्रभु हे पकड़, पकड़ा, दिखाती मैं इनको, समझी नहीं बोलता थे। पकड़ा। पहला खाली डब्बा मेरे को कहीं को देती है। बस ये दिखा, ये फटी हुई साड़ी दी मेरी आई को आपने, समझा? इतनी जरा सी बात के लिए इतना शोर क्यों? आराम से बैठ के भी तो बातें कर सकते हैं। अगर साड़ी फटी है तो साड़ी नहीं दे देंगे। ये कटी पतंग ले रहती यार कैसे आई? आपकी तारीफ। मी राजाराम, अवनी का मामा। मामा और मामी टू इन वन है रे बाबा। आई अभी छोड़िए ना, गुस्सा मत करिए, चल के खाना खा लीजिए। हाँ, क्या बनाया खाने में? मुझे इस घर का पानी भी नहीं पीना है। और तू भी अवनी, बहुत रह ली इस ताजमहल में, अब घर चल। तू खड़ा देख क्या रहा है? रिक्शा टैक्सी तो देख, उड़ के जाएंगे क्या? ऑटो टैक्सी का बात करता है। अरे काका के इंपोर्टेड गाड़ी का क्या करने का, इसमें बैठ के जाएंगे तो ऐसा लगेगा उड़ के जा रहे हैं। ऑटो टैक्सी का जरूरत नहीं, बराबर है कि नहीं काका? जाएंगे नहीं? अभी देखना, अभी काका भी यही बोलेंगे क्या, चाबी लो और जाओ, है कि नहीं? हाँ, ये जरूर आएंगे आपको छोड़ने। हाँ, नहीं नहीं काय को, नहीं नहीं बाबा आपको छोड़ने का आने की जरूरत नहीं, आपका तकलीफ समझते हैं। नहीं, आ जाएंगे। अरे कोई अरे काम धंधा वाला आदमी है, और ऐसे क्या ना, एक सेकेंड हैंड गाड़ी में 7 जन बैठेगा तो क्या गाड़ी की भी वाट लग जाएगी, है कि नहीं? चाबी दे दो रे बाबा, कल परसों ड्राइवर को भेज देने का, बाद में गाड़ी लेके जाएगा, है कि नहीं? बराबर ला। और ऐसे भी क्या ना, पक्का लाइसेंस के लिए मेरे को हाथ साफ करने का, तो सेकंड हैंड गाड़ी थोड़ा ठोक पिट जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, काका का गाड़ी है रे बाबा। चलो 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 जल्दी, टाइम खोटी ना करो काका, साइड चलो काका, थोड़ा साइड में जाओ। अरे एक मिनट काका, मैं क्या सांग तो ये दरवाजा भी इसी चाबी से खुलता है क्या? क्या हुआ? अरे अच्छा खोल के देखो क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड। अभी क्या दरवाजा बंद तो करो। दरवाजा बंद ही मैं ही करूँ। अच्छा ठीक है। और कुछ मैं क्या मोड़ते है? ये अपना जो म्यूजिक सिस्टम है गाड़ी में, उसमें पुणे की रिक्शा में ऐसा तो आवाज आता है, वैसा सिस्टम है कि नहीं इसमें? मामा ये लो, ये मिठाई मैंने मंगाई थी। रहने दीजिए, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, चलो प्रभु। वो लड़की को खाली हाथ नहीं भेजते इसलिए। बस बस और कुछ नहीं सुनना हमको, ठीक है? अरे हाँ, वो कल नई साड़ी भेज देना और अपनी गाड़ी मंगा लेना। आइए। चुप हो भाई, चुप हो जा। ये है अवनी की ससुराल वाले, इनकी तारीफ कर रही थी तू ताई। ये खुश रखेंगे हमारी अवनी को। क्या सोच के रिश्ता कर दिया तूने? क्या सोच के भेज दिया तूने उस घर में अपनी बच्ची को? ये लोग तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, इनके सीने में दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। तूने अपनी फूल सी बच्ची इनके घर में कैसे भेज दी?